हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत ही एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, या बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली आप सभी को पता है कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन उनको जो मिलती है, क्या वो पेंशन बिल्कुल सही मिलती है, क्या उसमें जो है एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं पेंशनर्स के लिए वो उसमें ऐड होते हैं, क्या उनकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए, क्या उनकी बेसिक फैमिली पेंशन होना चाहिए, और अगर वो अपनी पेंशन को कम्यूट करते हैं तो क्या उनकी कम्यूटेड बेसिक पेंशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके जो कितनी ग्रेचुटी मिलती है, रिवाइज्ड पेंशन किस हिसाब से होती है, चाहे आप 2016 के प्री के पेंशनर्स हों या 2016 के प्री जो 6CPC में रिटायरमेंट हुए हैं वो पेंशनर्स हों, तो बहुत सारे इसमें चीज़ें मैं अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ मैं। और इसके अलावा जो पोस्ट 2016 के पेंशनर्स हैं उन क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो पूरी चीज़ें मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही बताऊंगा, आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बताई जाएगी, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होगी वही आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की तरफ से ही पब्लिश की जाती है, pensionersportal.gov.in। मैं इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप अपना अलग से चेक कर पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, साथ ही साथ जैसे यस लिखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपना भी बेसिक पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, आपकी DA और जो भी अलाउंसेस आप सबको मिलते हैं वो सब उसमें फिल करने के बाद में, अपना डेटा फिल करने के बाद में वहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप pensionersportal.gov.in अब कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में सर्च करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद में कई सारे आप देख सकते हैं, इसमें एक पेंशनर्स कैलकुलेटर है, मैं टाइम टू टाइम इसमें अपडेट देखता रहता हूँ, अपडेट होता रहता है, तो फिर से अपडेट हुआ है इसमें। तो अब अपडेट होने के बाद हम फिर से इसमें जाएंगे और देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें हमने क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्री 2016 पेंशनर्स का 7CPC के हिसाब से इसमें क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा ब्लैक कलर के बटन को प्रेस करके, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को भी प्रेस करना होता है, तभी आपके पास वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप इसमें धीरे धीरे हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और उसके बाद में जो भी आपकी रिवाइज्ड पेंशन होगी वो हम इसमें देख पाएंगे। आप अपना भी सारा डेटा फिल करके बता दिए, मैं आपको निश्चिंत रहिए, पूरा थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपकी डिटेल में जो भी वीडियोस होंगी यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए पहले आप पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट टाइप ऑफ पेंशन। जैसे ही आप ये देखेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन तरह की पेंशन इसमें दी गई है। नॉर्मल पेंशन है पहला, दूसरा जो है इनहांस्ड फैमिली पेंशन है, और तीसरा फैमिली पेंशन है। तो आप जो भी ले रहे हैं, जो भी आप जिस कैटेगरी से हैं, यानी कि नॉर्मल पेंशन से हैं, इनहांस्ड फैमिली पेंशन से हैं या फैमिली पेंशन से हैं, तो वो क्लिक कर देंगे और आप उसमें क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पैरा पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है नॉर्मल पेंशन, आप जिसमें भी तीनों ऑप्शन में आते हैं उसमें आप क्लिक कर लेंगे। अब इसमें दूसरा आप पॉइंट देख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में क्लियरली दिखा है बेसिक पेंशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015, यानी कि जो भी आपकी बेसिक पेंशन है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद में नेक्स्ट पैरा पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक पेंशन उस टाइम पे जो भी थी हमने यहाँ पर एक अनुमानित 7000 रुपये ले लिए। आप अपनी जो भी बेसिक पेंशन 2015 पे रही होगी 31 दिसंबर 2015 पे, वहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सिलेक्ट रिटायरमेंट पीरियड। तो रिटायरमेंट पीरियड पर चलने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें फिर से ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सिलेक्ट रिटायरमेंट पीरियड जो है उस पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद में फिर से हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप जब भी रिटायरमेंट हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन इसमें आप फिल करेंगे। पहला आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बिफोर 1/1/1996, और दूसरा और तीसरा आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरा क्लिक कर लिया है, दूसरा सिलेक्ट कर लिया है। तीसरा आप देखेंगे सिलेक्ट पे स्केल, आपकी पे स्केल क्या रही है उस टाइम पर, तो आप देख सकते हैं ये पे स्केल है और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फिर से पे स्केल को, तो जो भी आपकी पे स्केल रही हो वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा आप देख सकते हैं रफली पे स्केल जो भी रहा होगा वो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहली वाली ही पे स्केल क्लिक कर लेता हूँ।
और आपकी बेसिक पे कितनी है रिटायरमेंट पर, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप रिटायरमेंट हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपकी कितनी रिटायरमेंट रही थी, कितनी बेसिक पे रही थी, और यहाँ पे आप फिल कर देंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए फिल कर लेते हैं बेसिक पे आपकी जो भी रही हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप अपनी जो भी होगी आपकी बेसिक पे उस टाइम पे वो यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे जैसे, और उसके बाद में आपका सारा डेटा वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो हम कैप्चा यहाँ पर फिल कर ले रहे हैं, कैप्चा फिल करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा कैप्चा फिल करने में जी, थोड़ा सा समय लग सकता है, आप थोड़ा सा वेट करिए इसमें। इसके बाद में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जो भी होगी वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और उसके बाद में सारी चीज़ें होने के बाद में आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या आपको उतनी पेंशन और फैमिली पेंशन प्रोवाइड करा रही है। तो गेट, अब नेक्स्ट जो है गेट रिवाइज्ड पेंशन पे क्लिक करेंगे। जैसे रिवाइज्ड पेंशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और हम कैप्चा फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। कैप्चा रिफ्रेश कर लेंगे तो उसके बाद में सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। हम कैप्चा यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं। अब जैसे कैप्चा फिल करेंगे और गेट रिवाइज पेंशन पे क्लिक करेंगे तो फिर से सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम फिर से देख लेते हैं कैप्चा क्या है यहाँ पे। बेसिकली कैप्चा थोड़ा सा गलत हो रहा है, और जी हाँ, कैप्चा फिल करने के बाद में आप फिर से इसमें सारी चीज़ें कर पाएंगे। जी हाँ, कैप्चा हो चुका है, और कैप्चा होने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में आपकी जो भी पेंशन होगी वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली क्या कभी कभी वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, उसके चलते भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी हाँ, और हमने सारी कंपलसरी फील्ड जितनी भी थी वो सब सिलेक्ट कर ली हैं। कैप्चा यहाँ पे बार बार गलत दिखा रहा है, लेकिन कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कैप्चा आप तो अच्छे से फिल करेंगे तो हो जाएगा। मैं फिर से फिल कर लेता हूँ कैप्चा को। जी हाँ दोस्तों, और चलिए कैप्चा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कितना किस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। चलिए फटाक से कैप्चा फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और कैप्चा फिल हो जाएगा। कैप्चा फिल होने के बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो क्योंकि ये सब चीज़ें लाइव होती हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कोई नहीं, कैप्चा पूरा जैसे फिल हो जाएगा तो गेट रिवाइज्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कैप्चा चेंज नहीं हो रहा है बार बार, मैं चेंज करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कोई नहीं, जो भी चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी कितनी बेसिक पेंशन है, आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। और कैप्चा जैसे ही आप फिल करेंगे, और क्योंकि अभी कैप्चा भी चेंज नहीं हो रहा है, वेबसाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, आपकी सारी डेटा जो भी होगा, आपकी कम्यूटेट कितना कर सकते हैं, कितनी बेसिक पेंशन है, कितनी इन्हांस्ड पेंशन है, सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। इसका लिंक भी मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा अपना जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आप फिल कर देंगे। पहले आप अपनी पेंशन के टाइप सेलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे आप अपनी बेसिक पेंशन डालेंगे, तीसरे नंबर पे आप सिलेक्ट रिटायरमेंट पीरियड डालेंगे, चौथे नंबर पे सिलेक्ट पे स्केल डालेंगे, पांचवें नंबर पे आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी बेसिक पे थी, और लास्ट में आप कैप्चा फिल करके उसमें सारी चीज़ें डाल करके और सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। उसके बाद में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर निकल कर आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और आपको ये डिटेल, ये पूरा लिंक मिल जाएगा, और आप फिल करके आप अपना भी देख पाएंगे।